जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे में दोस्तों, जेई के वैकेंसी के बारे में। भैया नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी आ गई है। कुल कितना पोस्ट है? अच्छा खासा पोस्ट है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, एज वगैरह सारा कुछ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम सूरज है, मेरे चैनल का नाम माई स्मार्ट टीक है। हम लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया कितना पोस्ट है? 7934, 7934 पोस्ट है आपका भैया, निकल के आ गया। अप्लाई डेट सारा कुछ आएंगे बता रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का 5 पोस्ट है। कौन सा है भैया? एक है आपका जेई का पोस्ट, दूसरा है डीएमएस का पोस्ट। डीएमएस क्या होता है दोस्तों? इसका फुल रूप होता है आपका डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है? तो ये पोस्ट हो गया। तीसरा है आपका सीएमए, आपका सीएमए का फुल रूप होता है केमिकल मेटोलॉजिकल असिस्टेंट, ये पोस्ट है। बाकी आपका केमिकल सुपरवाइजर का पोस्ट है और मेटोलॉजिकल आपका सुपरवाइजर का, ये पोस्ट है। 5 प्रकार का आपका पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है? अप्लाई कब से हो रही है? 30 जुलाई से फॉर्म ओपन है। लास्ट डेट की बात करें तो आपका 29 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? चलिए, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹500 फी देना होगा। इसमें से दोस्तों आप लोग पेपर दोगे ना तो ₹400 है ना, कभी कभी 390 पे रिटर्न होता है, तो ये आपका वापस बैंक के अकाउंट में आ जाएगा एग्जाम देने पर, पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अदर्स जिसमें आप एससी का शामिल कर लो, एसटी का शामिल कर लो और फीमेल कैंडिडेट, ये भैया ₹250 लगता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपका सारा का सारा वापस हो जाता है, ठीक है? एज की अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। चाहे आप रेलवे का जेई का एग्जाम का तैयारी करो या रेलवे का कोई भी एग्जाम का, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी, सब में ये काम आने वाला है। ये दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से रेलवे का ऑल एग्जाम का मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर है। 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1996 से अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सबका दोस्तों संग्रह मिल जाएगा, ठीक है? और तमाम एग्जाम जैसे मैंने बताया ये कवर किया गया। काफी अच्छा बुक है दोस्तों, मैंने पर्सनली इस बुक को देखा है, काफी अच्छा बुक होने वाला है आपके लिए, ठीक है? सेकंड जो बुक है रिजनी का सॉल्व पेपर किरण इंस्टीट्यूट का, 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेम आपका टीसीएस पैटर्न पर सारा कवर मिल जाएगा। काफी अच्छा बुक है ये दोस्तों, रिजनी के लिए ऑल एग्जाम में काम आएगा। और ये जो देख लो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट का वन लाइनर अप्रोच में समान ज्ञान का, एनसीईआरटी के जो न्यूनतम पैटर्न है ना उस पर आधारित दोस्तों ये थ्योरी वाला बुक है। तमाम चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, रेलवे के लिए स्पेशल दोस्तों ये काम आने वाला, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2024 के एडिशन पर दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का रेलवे का ऑल एग्जाम का समान जानकारी और समान विज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, जिसमें आप लोग देखोगे ना 3790 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। एएलपी, एसआई, कांस्टेबल आपका आरपीएफ में हो गया, जेई हो गया, जेई में काम आएगा, ग्रुप डी में, एनटीपीसी, तमाम एग्जाम ये काम आने वाला है। ये 4 बुक आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा रेलवे का। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवाया है, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीकी बुक शॉप पर जाओगे ना वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी ले सकते हो। इसकी जो गणना है 1/1/2025 से की जा रही है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एज आपका 1/1/2025 से। बाकी दोस्तों 18 से 36 साल आपका जनरल का और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूआर और दोस्तों अनरिजर्व हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है? इस दोनों के लिए एज आपका 36। रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, यानी दोस्तों 39, और एसएसटी का आपका 5 साल का छूट मिलता है। और 3 साल ध्यान रखिएगा, कोविड के कारण एक्स्ट्रा छूट भी आपको मिल रहा है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो तो ये मैंने बताया। अब क्वालिफिकेशन क्या है? देखो कोई भी दोस्तों आपने इंजीनियरिंग का डिग्री कर रखा है या डिप्लोमा आपके पास है ना, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिग्री डिप्लोमा है या दोस्तों कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री है ना, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है आपके पास, सिंपली ये ध्यान रखिएगा। चलो तो बहुत सारे बच्चे किए हुए हैं तो वो कोई दिक्कत की बात है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है भैया? CBT 1 एक एग्जाम, CBT 2 दूसरा एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है इसमें, ठीक है? अब सिलेबस इसमें है क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। सैलरी कितना मिलता है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। 100 क्वेश्चन CBT 1 का बात कर रहे हैं दोस्तों, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक नंबर का, 1.5 घंटे का समय होता है, 1/3 रेलवे का भाई निगेटिव चलता है। मैथ से 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, जीके से आपका 15 क्वेश्चन है और साइंस से आपका 30 क्वेश्चन है। साइंस वाला अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। साइंस कहने का मतलब क्या है, इसमें दोस्तों आपका फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा और बायोलॉजी भी आ जाएगा, और कुछ प्रश्न जो रहते हैं ना 2-4 प्रश्न बोल सकते हो, ये आपका भैया पर्यावरण विज्ञान से संबंधित सवाल रहेगा, तो एनवायरमेंट साइंस बोलते हैं, ठीक है? तो वो सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों जीके जीएस में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब रहेगा, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर भी पूछ सकता है, ठीक है? बाकी रिजल्ट दिया जाता है CBT 2 के लिए 15 गुना। अब 15 गुना कितना भैया? 7934 का 15 गुना करोगे 1,19,010 बच्चों का रिजल्ट आपका देगा, किसके लिए? CBT 2 के लिए। और इसमें अप्लाई कितना करेगा बच्चा? देखो इसमें अप्लाई ज्यादा ऐसा नहीं कि भैया लाखों बच्चे मतलब करते हैं, लाख में तो करेंगे, 5 से लेकर दोस्तों 10 लाख के बीच में हो सकता है बच्चा अप्लाई कर सकता है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया ग्रुप डी की तरह करोड़ों बच्चे अप्लाई कर दे, ये चीजें आपको मैंने विस्तार से बताई हैं। बाकी सीबीटी 2 में दोस्तों आपका क्या सिलेबस रहता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपका आ जाता है क्वेश्चन का संख्या ज्यादा, 100 आपका सीबीटी 1 में था, इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का, 2 घंटे का समय, निगेटिव आपका सेम वही 130 की ही। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका ये 15 क्वेश्चन, बाकी इसमें देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होता है, बाकी देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन से संबंधित 10 क्वेश्चन रहता है। अभी आजकल कितना देख लो ना, पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है आपका, देखो गाड़ी कितना संख्या बढ़ रहा है, तो उससे संबंधित आपका रहेगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन, ये क्या है भैया, इस पर सवाल है, इसी पर सब कुछ आपका डिपेंड करता है, ये दोस्तों आपका है। अब मान के चलो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, जे जूनियर इंजीनियर पोस्ट होता है उससे रिलेटेड, जिस ट्रेड से दो आपका, मान के चलो दोस्तों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कौन सा इंजीनियरिंग ग्राउंड है भैया, उससे संबंधित आपका सवाल आएगा, टेक्निकल मैकेनिकल जो भी आपका है, तो वो समझ लो ट्रेड समझते हो ना, समझ लो वही चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित आपका सवाल 100 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है। ये टेक्निकल सवाल इसी पर दोस्तों आपका मेरिट डिपेंड करता है, सब तो ये पढ़ता ही, ये पढ़ो सबके लिए कॉमन है, आपके लिए केवल थोड़ी पढ़ना है, ये जो निकाल लिया इस पर जिसकी पकड़ बन गई, बल्ले बल्ले। अब सैलरी क्या मिलेगा, देखो सैलरी बताता हूँ, इसमें 2 टाइप का वैकेंसी है, एक जो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा, लेवल 7 का, उसमें हम बात करें ना दोस्तों तो 44,900 आपका स्टार्टिंग सैलरी है, समझ लो। बाकी दोस्तों एक है जो लेवल आपका 6 का, इसमें सैलरी मिलता है उसमें 35,400 स्टार्टिंग, इसमें इन हैंड आपका 55,000 प्लस मिलेगा, इसमें आपका लगभग 45,000 प्लस सैलरी मिलेगा। अब क्या चाहिए भैया, बवाल काटोगे, समझ लो। तो ये रेलवे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी 1 महीना पहले बनाया था, वीडियो बताया था, आपका वैकेंसी आ रहा है दोस्तों जूनियर इंजीनियर का, 30 तारीख को आएगा वैकेंसी एग्जैक्ट दोस्तों, 30 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता है। देखो ये नोटिस आपका जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRBs, ठीक है। ये विज्ञापन संख्या 3/2024 होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है ना भाई, ये आपका 30/7 से, और लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है ना 29/8 तक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका देखो सैलरी वगैरह जो मैंने बताया, कितना सैलरी मिलेगा, ये आप कौन सा पोस्ट के लिए सैलरी है, तो यहाँ पर डिटेल्स में आपका लिखा गया, एज यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, एज लिमिट 1/1/2025 से है, ये चीज़ है। बाकी दोस्तों यहां पर सारा कुछ ये डिटेल्स है। टोटल आपका पोस्ट की हम बात करें तो देखो यहां पर पोस्ट की भी चर्चा है, आपका 7934 पोस्ट है। बाकी यहां पर 17 जो है ना आपका पोस्ट RRB गोरखपुर में ओनली आपका यहां पर ये भी दर्शाया गया है। तो ये चीजें मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी है, ठीक है। RRB जोन में आपका वैकेंसी रहेगा, जैसे देखो यहां पर दोस्तों कुल सारा RRB है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ये अलग अलग आपका RRB जोन है ना, इसमें आपका वैकेंसी है। अब आप लोग पूछोगे किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है, ये हमें कैसे पता चलेगा भैया, इसका ये शॉर्ट नोटिस है, फुल नोटिस 30 तारीख को आएगा, 30/7 को, तो उस टाइम आपका हर एक RRB में कितना कितना पोस्ट है आपको जानकारी मिल जाएगा। तो कहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहां का कटअप कम जाता है, वो सब दोस्तों 30 तारीख को आपको जानकारी एक वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपके लिए उस टाइम जो जोन वाइज आपका वैकेंसी आ जाएगा, हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पर भी वैकेंसी ये लोग ले, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जोन दिया गया है तो भैया जोन वाइज ही वैकेंसी आपका आएगा, इसी ये कंफर्म रहिए, क्योंकि जोन इसमें दिया गया तो इसका मतलब ये है कि जोन वाइज ही आपका वैकेंसी ये लोग देंगे, ठीक है। ये आ गया ना, इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद, ये तो दे कहा ही गया दोस्तों, ठीक है, इसके कुछ दिनों के बाद आप देखो NTPC का वैकेंसी आ रहा है। ये क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना सबसे पसंदीदा पोस्ट आपका TC TT, टिकट क्लर्क होता है, टेंस क्लर्क होता है दोस्तों, ठीक है, ये सब वैकेंसी है TT का जिसको बोलते हैं। इसके अलावा GG का पोस्ट होता है, गुड्स गार्ड, रेलवे का गार्ड जो पीछे होता है ना उसको मैनेजर बोला जा रहा है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है, ये सब जो पोस्ट है ना दोस्तों, क्लर्क का पोस्ट होता है, तो टिकट जो काटता है स्टेशन पर, तो टिकट का जांच करता है, वो सब पोस्ट है। इसमें 12वीं पास और ग्रेजुएशन दोनों प्रकार का वैकेंसी होता है, कुल आपका 7-8 प्रकार का वैकेंसी, तो ये भी आपका कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा, 5 से 10 दिन के बाद, यानी 1 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए हम डिटेल्स वीडियो और अलग से बनाएंगे, तो तैयार हो जाओ, सुनहरा मौका आपके पास है। ये डिटेल्स में मैंने आपको बताया और जो मैंने बुक बताया उससे आप लोग को 100% एग्जाम में सफलता मिलने के लिए दोस्तों मिलाने के लिए वो अच्छा बुक है, जो आप लोग जरूर उसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल कोई डाउट कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।